वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएम किसान के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और आपका पीएम किसान का पैसा आने लगा है, तो आपको सबसे पहले पीएम किसान का पैसा चेक करने के लिए बेनिफिशियरी कोड मांगा जाता है। तो आप अपने पीएम किसान के बेनिफिशियरी कोड को किस तरह से पता कीजिएगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में बतलाई गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में टाइप कर देना है PFMS। आपको PFMS लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे PFMS का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में थ्री लाइन देखने के लिए मिल जा रहा है, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। इस वाले पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है पेमेंट स्टेटस। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीबीटी स्टेटस का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन को मांगा जाएगा, इसको आपको फिल करना होगा। जैसे की कैटेगरी, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है पीएम किसान। आपको क्या करना होगा, ये पीएम किसान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है इंटर एप्लीकेशन आईडी। तो आपने पीएम किसान का फॉर्म जब अप्लाई किया उस समय आपको एक एप्लीकेशन आईडी दिया गया था, आपको क्या करना है उस वाले एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है इंटर बेनिफिशियरी कोड। तो आपको तो बेनिफिशियरी कोड पता नहीं है, आपको बेनिफिशियरी कोड पता करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है कैप्चा कोड। आपको क्या करना है, इस वाले कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स पे सही सही से फिल कर देना। तो चलिए हम लोग इस वाले जो इन्फॉर्मेशन को मांगा गया है उसको हम लोग सही सही से फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा दोनों को फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सारा डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है आपका एप्लीकेशन आईडी और उसके बाद आपका बेनिफिट बेनिफिशियरी नेम और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो बेनिफिशियरी कोड है वो बेनिफिशियरी कोड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी अगर बेनिफिशियरी कोड भूल चुके हैं तो घर बैठे चुटकियों में अपने बेनिफिशियरी कोड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।